हाँ सर दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास विथ इनविक आइडेंटिटी में। दोस्तों आज हम हिंदी मीडियम क्लास 7th की 2A अभ्यास कर रहे हैं। 2A में प्रश्न पहला है, सबसे पहले आप आइए घातांक जान लीजिए। घातांक क्या होता है? जैसे ये कोई का है, का पे कुछ यूँ लिखा है, ठीक है। तो जो नीचे होती है उसको आधार बोलते हैं, जो ऊपर होती है उसको घात बोलते हैं। आधार नीचे वाले कहते हैं, जो इसके ऊपर होती है उसको घातें बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली सवाल है। और एक चीज़ जान लीजिए, यदि किसी आधार की घात विषम संख्या है, यदि चिन्ह माइनस में है तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि किसी संख्या की, यदि कोई आधार संख्या माइनस चिन्ह के साथ है, ऋण चिन्ह के साथ है, उसकी जो घात है अगर वो विषम में होगी, यदि उसकी घात विषम में होगी तो वो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा माइनस में आएगा। चलिए दोस्तों पहली सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। पहली सवाल दिया गया है कि -2/3 -2/3 की पावर 5 बराबर क्या आएगा। सबसे पहले जान लीजिए, आधार की घात विषम संख्या में है तो आंसर माइनस में आएगा। अब 2 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी जितनी बार घात दी रहेगी उस संख्या को उतनी बार लिख के गुणा करेंगे। 2 × 2 = 4 × 8 × 16 × 32, यानी क्या आएगा? ये 32 आएगा, 32 आएगा। नीचे कौन सी संख्या है? नीचे है 3, यानी अब हमें 3 को भी लिखना है। कितनी बार? 5 बार लिखना है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27 × 81 = 243 आएगा दोस्तों, 243 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -32/243। इसी प्रकार अब आइए दूसरी सवाल देखें। दूसरी सवाल क्या है? 3125 का घातीय संकेतन लिखिए। आइए लिखते हैं। सबसे पहले 3000, दोस्तों ब्रश कहाँ गया? ब्रश काम नहीं कर रहा है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों? 3125 को घातीय संकेतन में लिखेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। 2 होगा 3 होगा 4 होगा। अब पहले आइए 3 से देखें, कटेगी नहीं। 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 5 = 11, ये 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। अभी 5 से काटेंगे इसको। 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ऐसे करके दोस्तों आप पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब आप इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, लाइव में करके दिखा दूं आपको कैसे करना है। ऐसे ऐसे 3 1 2 5, जब 5 से करेंगे तो 625 आएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 × 9 = 5, 5 × 10 = 25, 25 × 125 = 125, 25 × 125 = 125, यानी 5 बार होगा दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 बार है भी, ठीक है। यदि 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात 5 हो गया, 5 की घात 5, 5 की घात 5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 2 की घात 7 का मान कितना होगा? आप खुद निकालिए दोस्तों इसको। 2 × आपको इसी बहाने पहाड़े भी लर्न हो जाएंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5, 2 × 2 2 × 2 = 8 × 2 = 8 × 2 = 16 × 32 × 64 × 128, 200 128 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 128 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये जो 8 घात के रूप में लिखा गया है ये आंसर के रूप में होगा, यहाँ पे 128 है दोस्तों, ठीक है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 है। क्यारी कैसी है? वर्गाकार है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है आयत की ना। कोई भी चतुर्भुज है उसकी जो क्षेत्रफल निकालनी होगी, दो साइडों का आपस में गुणा करना ही क्षेत्रफल होता है। लेकिन जो वर्ग होता है दोस्तों, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? इस वर्गाकार क्यारी की भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25 m² लिखिएगा दोस्तों। ये मात्रक लगाना मत भूलिएगा। मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो दोस्तों बाकी की सवाल हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप ऐसे निरंतर बने रहिए, जय हिंद जय भारत।